ऊपर पूरा फूड कोर्ट ही बनाया है इन लोगों ने। ये बिरयानी वेज बिरयानी ली है, देख सकते हो पूरा लीकर का सामान भरा हुआ है। आपको दिखाता हूँ रात में कैसा दिखता है अबू धाबी का एयरपोर्ट। थैंक यू। अभी मैं आपको अबू धाबी में जो एयरपोर्ट है वहाँ पे ड्यूटी फ्री जो चीज़ें मिलते हैं यहाँ पे, वो पूरा एरिया दिखा रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पे सब चीज़ें आपको ड्यूटी फ्री मिलेगी, सो आप एक बार देख लीजिए पूरा एरिया। ये सब कुछ ड्यूटी फ्री मिलती है यहाँ पे, तो मुझे तो कुछ लेना है। ये पूरी लीकर की बॉटल्स है यहाँ पे, अलग अलग तरह की, तो यहाँ पे सब मिल जाएगा ड्यूटी फ्री में यहाँ पे। सो मैं यहाँ सिर्फ घूमने के लिए आया हूँ, वहाँ पे बोर हो गया था बैठे बैठे, तो सोचा कि चलो यहाँ पे घूम लेता हूँ, तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। वैसे तो अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, तो सोचा कि चलो ऊपर बहुत सारी जगह है देख के आता हूँ कि यहाँ पे, और ऊपर पूरा फूड कोर्ट ही बनाया है इन लोगों ने, तो फूड कोर्ट देख के आता हूँ। खाना तो कुछ है नहीं मुझे अभी, तो अभी चीज देखने ही जा रहा हूँ ऊपर कौन से चीज़ें मिलती है यहाँ पर। तो फिलहाल तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या खाना मिल रहा है यहाँ पे। 51 नंबर पे मतलब मेरा फ्रेंड ने बोला है 51 नंबर पे अच्छा खाना बिरयानी मिलती है, मतलब वेज बिरयानी। तो ये यहाँ से 51 पे मुझे जाना है, गेट नंबर 51 पे। अभी यहाँ से मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है वो जगह, क्योंकि 51 ये इस तरफ है। ये बिरयानी वेज बिरयानी ली है और इसके साथ कुछ कस्टर्ड आया है, योगर्ट आया है योगर्ट, और ये स्पून दी गई है, और बस टेस्ट कर लेता हूँ कैसी है। तो इसमें क्या डाला है मुझे नहीं पता, एक्चुअली आई थिंक ये कॉबीज है, सॉरी फ्लावर है, फ्लावर बोलते हैं, गोभी बोलते हैं, गोभी ये है, चावल है और मटर है और कुछ राइस वगैरह सब है। मैं देखता हूँ कैसी है, ₹950 की बिरयानी एयरपोर्ट। तो यहाँ पे मेरे सामने देख सकते हो पूरा लीकर का सामान भरा हुआ है, वो भी ड्यूटी फ्री। तो आप सीट कहीं बाहर निकल रहे हो एयरपोर्ट पे, तो आपको बिना ड्यूटी का लीकर सब मिल जाएगा। और मैं नीचे जो गेट से सारे वहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे रश है ही नहीं, यहाँ पे सब खाली है, तो यहाँ पे मैं सो सकता हूँ आराम से। एक्चुअली अभी पीछे गया था करेंसी एक्सचेंज में, तो यहाँ पे दिहराम चलता है, दिहराम। तो मैंने पूछा, मेरे पास अभी हार्डली थ्री
₹350 कैश पड़ा है। तो मैंने उनको बोला कि ₹350 में मेरे को दिहराम दे दो। तो बोलते 6 या 7 दिहराम आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो मैंने बोला ठीक है दे दो। बोलता है नहीं, हमारी पॉलिसी है 3000 रुपीज़ अगर आप हमको दोगे तो हम ही हम आपको दिहराम देंगे। और अभी रात का आपको दिखाता हूँ रात में कैसा दिखता है अबू धाबी का एयरपोर्ट। ये देखिए अबू धाबी का एयरपोर्ट रात में कैसा दिखता है, यहाँ से भी दिख रहा होगा आपको। तो अभी मुझे बोर्डिंग करने में 8 घंटे लगेंगे, तो बोर्डिंग करने तब तक अभी इतना टाइम निकाला तो थोड़ा और 12 घंटे को निकाल दिए, अभी 8 घंटे निकालने कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है। सो अभी रात के बजे 11 यहाँ के 11 बजे और आई थिंक इंडिया के 1 बज चुका होगा, 12:30 बज चुका। तो अभी दो या तीन घंटे में मेरी फ्लाइट मतलब बोर्डिंग शुरू हो जाएगा। फिलहाल मुझे कोई भूख नहीं लगी थी इतनी, तो मैंने ये फिर से कॉफ़ी ले ली है। ये मुझे पड़ी है 20 दिरहम। सो अराउंड इंडियन रुपीज़ हो जाता है आई थिंक 600 रुपये हो जाते हैं। तो अभी मुझे तो इतनी नींद आ रही थी, मैंने सोचा कॉफ़ी पी ले तो कुछ खाना नहीं खाना, वैसे भी फ्लाइट में खाना मिलने वाला है, खा लेंगे फ्लाइट में। सोचा कि चलो कॉफ़ी पी लेता हूँ तो नींद नींद ना आए। अभी मेरे को इतनी नींद आ रही थी, 2 दिन से मैं सोया ही नहीं, इतनी नींद आ रही थी ना। सो फाइनली अभी मैं गेट 2 बज चुके अभी मुझे 32 गेट पे जाना है। पहले उसमें लिखा था 59 लिखा था, 32 गेट पे जाना है मुझे। सो फाइनली तो फ्लाइट में मैं बैठ चुका हूँ, बट अभी सुबह के बजे 2:45। देखो यहाँ से प्रीव्यू दिखा रहा है आपको कहाँ जाएगी फ्लाइट। पूरा चक्कर लगा के यहाँ आएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी दिखा रहा है आपको, ऊपर डिस्टेंस भी दिखा रहा है। टोटल होते हैं 3000 ऑलमोस्ट। सुबह के 6:30 बजे पर कुछ दिख ही नहीं रहा बाहर मुझे तो।
पहुँच चुका हूँ भी है ना, और मेरा भाई लेने वाला आने वाला है, उसको भी बाहर निकल के बात करना।